हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये वाली बाइक जो मैंने आपको पिछली बार मैंने यहाँ पे रिव्यू किया था और मैंने उसमें बताया था आपको, ये वाली बाइक आपको देखने के लिए मिलेगी। पूरा एक डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा इसके ऊपर, इसका कलर, इसका इंजन, इसके अलॉय, ABS इसमें आपको मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलते हैं। पूरा एक डिटेल रिव्यू मैं आपको इस बाइक का देने वाला हूँ। और अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँगा ना आपसे, तो भाई साहब फ्रंट प्रोफाइल मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। फ्रंट से कुछ इस तरीके की आपको देखने के लिए मिल जाती है, फुल ब्लैक मैट कलर में। और जो इसके टायर्स आपको मिलने वाले हैं, टायर भी देख लीजिए, C8 के 19 इंची टायर मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक के साथ। डिस्क ब्रेक इसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं ABS के साथ। तो एक देखो, ये डबल डिस्क नहीं, ये डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, ABS के यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और भाई साहब इसके ये जो है ना, इसका सस्पेंशन ये बड़ा मतलब काफ़ी हैवी और जब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये चीज़ लग रही है। और ये जो इसकी यहाँ पे लाइट पे देखेंगे, लाइट के ऊपर इस तरीके कुछ कस्टमाइजेशन किया हुआ है। UP14 HSRP नंबर प्लेट इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। और ब्लैक कलर जो इसका ये मैट फिनिश के साथ दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इसको चार चांद लगा रहा है। एक बात और बता देता हूँ, ये वाली जो बाइक आप देख रहे हैं फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, यानी कि इसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसको आप खरीद सकते हैं। डिटेल इसकी जो ओनर है इनके, उनकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट कॉल करके इस बाइक को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। भाई बात करेंगे हम साइड प्रोफाइल पे, तो साइड में यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है टंकी पे इसकी। और साइड में यहाँ पे इसका ये लेग गार्ड आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिकेटर की बात करूँ तो भाई साहब इंडिकेटर इसमें आपको इस तरीके के कवर्ड मिल जाते हैं, और इंडिकेटर का साइज़ भी बहुत बड़ा मिल जाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इंजन इसमें कुछ आपको इस तरीके का मिल जाएगा, इस तरीके का कुछ ये मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब इसको पैनल बोल सकते हैं या फिर ये किस कवर्ड किया हुआ है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार। और नीचे से भी इस तरीके का बड़ा सा फ्रेम दिया हुआ है रॉयल एनफील्ड में। और ये क्लासिक है, क्लासिक 350। और ये यहाँ से ये वाले पूरा रेट्रो लुक दिया गया है बाइक के अंदर, पूरा रेट्रो लुक। इसमें जो ये ग्रे गियर है, गियर का सेटअप आपको इसमें 5 गियर्स मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में गाड़ी अवेलेबल है। क्लासिक 350 है, ब्लैक मैट कलर है। और भाई साहब यहाँ पे क्लासिक 350 की प्लेसमेंट यहाँ पे आप पूरा इस तरीके का ये गार्ड मिल जाता है, जिससे कोई भी अगर आपकी माताएं बहनें यहाँ बाइक पे हमारी बैठती हैं, उनकी ना साड़ी फंसेगी ना पीछे कुछ होगा। और ये इस तरीके का ग्रैब हैंडल है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है इसके अंदर। ये पूरा रेट्रो लुक दे रखा है। और भाई साहब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है, फर्स्ट इंप्रेशन में ही बाइक आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। जैसे कि पर्सनली अगर मैं आपको ओपिनियन दूंगा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बात करें अगर इसकी सीट की, तो भाई साहब सीट बड़ी लाजवाब, कुशनिंग भी बहुत बढ़िया है, कोई हार्ड मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। टैंक देख लो भाई साहब इसमें, ये जो मॉडिफिकेशन टैंक के ऊपर आप देख रहे हैं, ये कंपनी से ही मिलती है, बाहर से कुछ भी कराया हुआ नहीं है बाइक के अंदर कुछ भी। ये टंकी का भाई साहब कुछ इस तरीके का बड़ा मस्त सा इस तरीके का डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ भाई साहब यहाँ मीटर की, मीटर अगर मैं ऑन करूँ तो इसमें पूरी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे ABS का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ फ्यूल का और यहाँ पे बैटरी का ये आप देख रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा स्पीडोमीटर यहाँ पे इस तरीके का रहने वाला है। अगर नीचे की मैं बात करूँ तो भाई साहब ये इतनी चली हुई है, यहाँ पे फ्यूल दिखा देता है अपना, और यहाँ पे इको मोड, इसमें कुछ मोड्स के ऑप्शन भी हैं, वो भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। रॉयल एनफील्ड का लोगो यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेसमेंट, यहाँ पे बैजिंग रॉयल एनफील्ड के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर मैं इसके हैंडल की बात करूँगा भाई साहब, ये वाला जो आप स्विच देख रहे हैं, ये वाला, ये लाइट कंट्रोल्स आपको यहाँ से पूरे देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइट को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक यहाँ पे स्विच आपको यहाँ मिलेगा, जो आप हाई बीम लो बीम का ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं, और नीचे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाएगी। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पे आपको क्लिंग स्विच मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और ये वाला नीचे आपको पार्किंग लाइट का ऑप्शन, इसमें यानी पार्किंग लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। चारों इंडिकेटर आपको एक साथ जल जाएंगे, ये दिख जाएंगे। तो ये हो गई साइड की बात, प्रोफाइल की बात मैंने पूरा डिटेल दे दी है आपको बाइक के अंदर। पीछे से प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। पीछे से जो भाई साहब पूरा रेट्रो लुक का हमारी क्लासिक 350 का होने वाला है लुक, ये इस तरीके का बड़े जलवे दिख रहे हैं भाई साहब लाजवाब। पीछे की जो पूरी टेल लाइट देखेंगे आप, ये वाली यहाँ से बिल्कुल कवर्ड है, मतलब ये जो कंपनी से यार ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ना, ये यहाँ पे कवर्ड है पूरा, ये बड़ा यूनिक सा। और यहाँ पे देखेंगे पूरा मतलब हाइलोजन का सेटअप है, और ये गोल गोल जो लाइट दी गई है, ये लाइट जवाब भाई साहब चार चांद लग रही है इसमें। और यहाँ पे देखेंगे बराबर में इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट HSRP मिलेगी। अभी भी बता रहा हूँ, ये भाई साहब आपको फोर सेल के लिए अवेलेबल है, खरीद सकते हैं इसको आप। गुरु कृपा मोटर्स पे ये वाली बाइक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सारी मैंने डिटेल्स दी गई हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके इस तरफ प्रोफाइल से।
इस तरफ से और देख लो भाई साहब, जो उस तरफ से सेम है इस तरफ से भी वही सेम है। रह जाती है एक छोटी सी बात इसके इंजन की, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, उसका जो प्राइसिंग है वो भी वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, और उसके प्राइसिंग सुन के भाई साहब बहुत मजे आ जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं, जो भी अगर हमारे ऐसे भाई है ना जो इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, उनके पास बजट कम है, थोड़ा सा बजट का इशू है और बाइक खरीदनी है आपको, तो ये फाइनेंस फैसिलिटी गुरु कृपा मोटर्स पे अवेलेबल है। आप आइए एक बार इनसे मिलिए, इनको आप बताइए भाई साहब जो भी आपके पास पैसे होंगे ना उनको देख के, और आपके लिए कुछ ना कुछ काम ये जरूर करेंगे, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे और इस बाइक को आपको 100% जरूर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल की तरफ से आते हैं, मेरे चैनल के बारे में बताते हैं, तो भाई साहब आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बात अब हम करेंगे लास्ट मूवमेंट की, जो इंजन मिलने वाला है आपको 350cc का जी सीरीज़ का इंजन मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही तगड़ा पावरफुल, एक बहुत ही तगड़ी पावर प्रोड्यूस करके आपको देता है। वहीं अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूंगा और मॉडल की बात करूंगा, भाई साहब बाइक आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, और जो भी भाई हमारे इस बाइक को खरीदना चाहते हो उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। गुरु कृपा मोटर पर आप एक बार विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं। 2023 मॉडल, वहीं अगर मैं इसके आस्किंग प्राइस की बात करूं 210,000 रुपये, मात्र 210,000 रुपये में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख